अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्टर्न एडवोकेट एमए शहजाद खान साहब, जो कि बब्बर शेरा हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, जो लोग अपने मामलात के लिए कुछ पूछना चाहते हैं स्टार्स के हवाले से, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, हमने प्रीवियस प्रोग्राम एमए शहजाद साहब के साथ किया था जो नाम के अल्फाबेट के हवाले से था। इन्होंने बताया था कि कौन से अल्फाबेट ऐसे हैं अगस्त में मेल हों या फीमेल हों, वो तरक्की करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के, आप लोगों के सवाल आए हैं, उनका जवाब भी हम आज के व्लॉग में देंगे, जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं, आज का टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है, खास तौर पे उन फीमेल्स के लिए जो कि हमें मैसेज करके कमेंट्स में कहती हैं हमारे मुतालिक पूछें, जो जॉब करती हैं या खास तौर पे वो हाउस वाइफ हैं या जो अपने हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं अगले उनके बिजनेस को चमकाने के लिए। वो कौन से अल्फाबेट या जोडिक साइन की फीमेल्स हैं जिनको ये जो टाइम स्टार्ट हो गया अगस्त का, कौन सी अगस्त से लेके किस डेट तक उनको बेनिफिट होने जा रहा है किन अल्फाबेट को, आइए जानते हैं। इस पर मजीद डिस्कस करते हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामरु बिल अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, आप कैसे हैं? जी सर, ठीक ठाक सर। इस पर रोशनी डालें जरा, ये कौन सा टाइम स्टार्ट हो रहा है अगस्त के अंदर, किस डेट से किस डेट तक ये टाइम जो है, जो स्टार्स की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जिससे इन फीमेल्स को अकॉर्डिंग टू आपके बेनिफिट होगा, तरक्की होगी, पैसा मिलेगा, दौलत, शोहरत, ट्रैवल, ये सारा प्लीज बताइएगा। कौन सी अल्फाबेट की फीमेल है और कौन किन्होंने तैयार करनी है उनका भी? देखो बेटा, ये मेल प्लैनेट्स भी होते हैं और फीमेल प्लैनेट्स भी होते हैं। अब अगर हम देखें फीमेल प्लैनेट्स को, सबसे पहले तो हम मरकरी को देखते हैं, वो धन की देवी कहते हैं उसे, वीनस को मोहब्बत की देवी कहा जाता है। ये जो दो देवियां हैं, इन्होंने ट्रांजिट किया है। सबसे पहले तो हम ये आपको बताते हैं कि 19 जुलाई को मरकरी संघ राशि में चली गई। और दूसरी चीज बड़ी खूबसूरत बात है कि 31 जुलाई जो गुजर गई कल, उसमें वीनस भी संघ राशि में चली। अब ये दो फीमेल प्लैनेट्स, यानी कि मोहब्बत भी ला रही हैं और पैसा भी ला रही। अब फीमेल प्लैनेट्स हैं तो फीमेल को तो ज्यादा फायदा देंगी, क्योंकि आज तो प्रोग्राम ही फीमेल्स के लिए कर रहे हैं स्पेशल। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो तुला राशि है, जिसको हम लिब्रा कहते हैं और जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, जो खवातीन आर और टी में है, जैसे केले रोबीना, टी से तानिया, यानी कि आर और टी में जो भी खवातीन हैं, उनका टाइम आगे फाइनेंस के हवाले, प्रोफेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बेहतर है। ये खवातीन अपने हस्बैंड के साथ अगर पार्टनरशिप करना चाहती हैं या उनके काम को चलाना चाहती हैं, खुद सीट पे बैठ गई, चाहे हस्बैंड के नाम वो फर्म हो, कंपनी हो, लेकिन वो खुद अपने हाथ में सब मैनेजमेंट्स को ले लेती हैं, या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाली सीट पे आ जाती है, या एम्प्लॉय से वर्क वो काम करवाती है, तो बेनिफिट्स मिलेंगे। आर और टी ये टाइम जो अगला है 2-3 महीने, अच्छा देख लो, इसमें सेहत के हवाले से भी इनको अच्छा रहेगा। अच्छा, आर और टी अब ये तो नहीं है कि अब सारी बिजनेस में चलेगी, कुछ तलबगार होंगी शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, कोई ट्रेवलिंग के हवाले से चाहत रखती होंगी, एजुकेशन में आगे जानना चाहती हूं, किसी की कंपार्ट आ गई है और वो डिसहार्ट हो गई, वो डिसहार्ट ना हो, टाइम अच्छा है, दोबारा बीए हो, दोबारा एग्जाम दे, तो क्लियर कर जाएंगे। कोई बाहर जाने का सोच रहा है तो अप्लाई कर दे फौरी, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं एम्बेसी में, वीजे का चांस है, लग सकता है। सेहत के हवाले से इनको अक्सर स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यूरोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाता है,
कुछ माइनर किडनी इंफेक्शन हो जाती हैं, उस हवाले से भी सेहत की तरफ भी मैं देखता हूं कि बेहतरी दिखाई देती है। कहीं इन्वेस्ट करती हूं किसी के साथ मिलके, तो वो मैं पार्टनरशिप की इजाजत नहीं दूंगा। हाँ, हस्बैंड की हद तक ठीक है क्योंकि वो घर है। सर पूरे अगस्त के महीने तक कि उसे आगे भी ये लोग कर सकते हैं क्योंकि हम कर रहा हूं 2-2.5 महीने अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, तो किसी और शख्स के साथ पार्टनरशिप की मैं इजाजत नहीं दूंगा। दूसरी चीज मैं ये भी कहता हूं, मेरी अपनी कोटेशन है कि इतमाद ही धोखे का दूसरा नाम है, धोखा भी मिलता है, तो इसीलिए मैंने कहा किसी से पार्टनरशिप नहीं। अभी अभी तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, वो तो चलते हैं, बाकी ये आर ओ डी वाले जो लोग हैं इनकी मैनेजमेंट कमाल होती है, बड़ा अच्छा लोग या जो लिब्रा हैं। जी जी तो लिब्रा हैं। भी हैं, लेकिन वैसे भी लिब्रा हैं, ठीक है। इनकी मैनेजमेंट कमाल होती है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करती है, लेकिन एग्रेसिव पर्सनैलिटी की भी। अच्छा, इन्होंने 2-2.5-3 साल जो है स्ट्रगल देखा, मुश्किलात देखी, पिसाड़ रही, हार्डवर्किंग में रही, कभी लेजी कभी एक्टिव रही, लेकिन अब जो महीने हैं इनके लिए अच्छे, शुभ है, अशुभ नहीं, बेहतरी है इसमें। और इनके लिए स्टोन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये इस जो अगस्त सितंबर में, बल्कि जुलाई अगस्त में तो बरसात है, सितंबर तक भी हो जाती है बारिशें, तो ये मुक्ता सॉरी लुलु जिसको हम पर्ल कहते हैं, पर्ल मोती मुक्ता ये पहन सकते हैं अपनी छोटी लेडी लेडी फिंगर में, और फिर देखें कैसे धन आता है, कैसे बढ़ता है। बरसात का जो मैंने नाम लिया वो लिया क्यों है ये तो पूछे आप, पूछे जी सर क्यों लिया, स्पेशली मैंने मोती का नाम क्यों लिया है? जी जी क्यों लिया सर, मोती का नाम मौला अली इस्लाम का कौल है जिसका मफहूम है कि बारिश का कतरा अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो वो जहर बनता है, और वही बारिश का कतरा अगर सीप के मुंह में गिरे तो मोती बनता है। तो बरसात में तो बारिश बहुत हो, सीप के मुंह भी खुलते हैं, तो वो मोती ही चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा बहरीन का मोती अच्छा है, मैं गया हूँ बहरीन में, जो स्टैंप भी होती है उसकी सरकार जमानत देती है कि ओरिजिनल है। अच्छा, तो मोती पहनना चाहिए। ये जो 2-2.5-3 महीने तो बड़ी इसमें ये कि मेंटली जो स्ट्रेस ली आप हशाश बशाश होंगे, गुस्सा कम आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ेगा, आप आगे सोचेंगे और बढ़ेंगे, रिस्क लेंगे, लेकिन वो जो रिस्क लेंगे वो पार्टनरशिप में नहीं लेना, वो रिस्क साथ अलोन इंडिविजुअली वर्क करें, उसमें आप सर्वाइव करें। आप जॉब में हैं तब भी आपकी इज्जत में, मान और मर्यादा में जो है मैं समझता हूँ पड़ाव आएगा, बेहतरी आएगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ये चीज है। अब हम आते हैं दूसरा जो स्टार जो मैं बताने लगा हूं, क्योंकि मैंने मरकरी का भी नाम लिया है कि मरकरी भी तो संघ राशि धन की देवी, ये तुला राशि तो है मोहब्बत की देवी, अब धन की देवी क्या काम दिखाने लगी है। धन की देवी जो है मरकरी, ये जो है ये कन्या राशि जिसको हम वर्गो कहते हैं उसको फायदा देने लगी। वर्गो में जो अल्फाज हैं जिनके नाम जो हैं वो पे और गाइन हैं, जैसे पलवशा हैं, परवीन हैं, गाइन से गफूर हैं, गजाला हैं, अब इन लोगों को पैसा यही जो अगले 2-2.5 महीने में दारों बढ़ेगा, कहीं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहें वो डबल हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टी में बड़ा फायदा, गाड़ी में, होटल्स मोटल और प्रोफेशन में प्रमोशन का चांस है। ये फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात हो, शादी की में कहीं रुकावट है, एंगेजमेंट होंगी, निकाह होंगे, रुख्सतियां होंगी, कहीं रिलेशन ब्रेक हो गए हैं, अगर दोबारा ज्वाइनिंग की तरफ जाते हैं दोबारा बहाल हो जाए। इनको सबसे ज्यादा मसला की चीज में आता है वर्गो फीमेल्स को, प्रॉब्लम्स में जो अगर डिजीज देखें तो ब्लड से रिलेटेड इनको डिजीज ज्यादा होती है,
अल्लाह ना करे खवातीन बूढ़ी भी हो जाती हैं, सभी ने अल्लाह को प्यारा, कैंसर का डिजीज आ जाता है ब्लड के हवाले से, और ब्लड किसी से रिलेट हो जाए, लंग की डिजीज हो जाती है इनको, इस तरह की कुछ लंग्स से रिलेट हो जाती है, ये चीजें हो जाती हैं अल्लाह ना करे, लेकिन सेहत की तरफ आएंगी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि ये इन्वेस्ट कर लें खुल के, इन पे मैं कोई ठीक है, क्योंकि ये बड़े, इनकी कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, ये धीमे लोग होते हैं, एग्रेसिव पर्सनैलिटी, जल्दबाजी वाले हेस्टी खवातीन नहीं है। और वैसे ही धन तो इनपे आशिक होता है, क्योंकि ये तो मरकरी की मालिक, बुध की मालिक है, बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है इनके लिए। और इनको जो स्टोन पहनना है, ये जो महीना है जो आ रहे हैं दो तीन में, पेरीडोट कमाल है, एमरल्ड कमाल पहने, मिजाज में भी बेहतरी आएगी, हुसन आएगा, चमकते हुए चेहरे हो जाएंगे। और ये जो हड्डियों का, शोल्डर्स का जो दर्द आ जाना, बोन्स के लिए ठीक है, बड़ी अच्छी ये स्टोन है इनके लिए पहने, मतलब इनके लिए पैसों से रिलेटेड हो, ट्रेवल से रिलेटेड हो, टाइम ठीक है फीमेल्स के लिए, वर्गों के लिए। ट्रैवल तो वो इतना ना भी करें तो कोई जरूरी नहीं है, करना भी चाहें तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट्स रिश्तों का रुक जो रुके हैं वो होंगे, इनको दौलत में फायदा होगा, फाइनेंस। डॉक्टर जो फीमेल्स हैं वर्गों की, उनके लिए क्या देखते हैं? फीमेल डॉक्टर्स बहुत बनती हैं वर्गों, कैंसेरियन बहुत बनती हैं। अच्छा, वर्गो डॉक्टर तो टॉप पे, सर्जन बनना चाहे, किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहे अपने ही सब्जेक्ट में, बड़ा आगे जाएंगी कोई ऐसी चीज मुझे नेगेटिव नजर नहीं आती। अब उसके बाद जो है, अब ये जो मरकरी है और ये जो वीनस है, ये तो जा रही है संघ में, ल्यू में, ल्यू के अंदर दौलत भी जा रही है तो मोहब्बत भी जा रही है, तो ल्यू ने इंजी चढ़ के चले जाइए, कोई मीम है, वैम है, मुमताज, ममता कुलकर्णी, महानूर, जी जी जी, ये जो मीम, आपको मीम बहुत अच्छा लगता है, नाम बड़े आप ले रहे मीम से, और लीजिए आप, मैविश है, हाँ और लीजिए, और ये मिलते जुलते, मीशा नाम है, मिनाहिल है, मार्शा है, मुमताज है, मुमताज है, मुनव्वर है, मुनव्वर सुल्ताना, बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो मीम है, इनकी पावर्स में देख रहा हूं सितंबर तक, धन हो, इज्जत हो, दौलत हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पावर्स हो, पावरफुल जरूर है अपने घर, अपने हस्बैंड को सीधा करके खड़े, और जॉइंट फैमिली सिस्टम को ये पसंद नहीं करती, इंडिविजुअल रहना पसंद करती, खुददार बहुत होती, वफादार होती, दौलत इन पे आशिक होती, क्योंकि ये सूरज की मालिक, और सूरज तो स्टार है। और इस मौसम में अगर ये अलेक्जेंड्राइट का स्टोन इन्हें मिल जाए तो कमाल है, और गोल्ड में पहन, और सर जो गोल्ड में नहीं पहन सकती वो क्या करें, गोल्ड हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता, फिर ना पहने, मेटल इन का गोल्ड है, नहीं जैसे होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे होती है गोल्ड से रिलेटेड, गोल्डन, और अगर अलेक्जेंड्राइट नहीं मिलता तो फिर रूबी पहने, इसको हम याकूत कहते हैं, कमाल का स्टोन, इनकी ब्लड की सर्कुलेशन, इनका मोटापा कम होना शुरू होती है, गोल चेहरे की जो ओरिजिनल व्यू होती है, मीन वाले जो खबर, बाल घने होते हैं, मुंह वगैरह बड़ा होता है, दिमाग भी इनका बड़ा होता है, छोटे दिमाग की नहीं होती, पैसा भी इन पर बड़ा ही आशिक होता है, कमाल। और ये तो धन का टाइम आ गया, इसमें ये एसेट्स बना जाएंगे, गाड़ियां, जमीन, जायदाद, इन पे मरता है तो इनको बड़े बेनिफिट्स हैं। उसके बाद सर जो नौकरियां कर रही हैं,
घरेलू खातें खवातीन और नौकरियां कर रही हैं, इनकी प्रमोशन हो सकती है? लियो है या एम में है? और ये भी क्लियर कर दें, बहुत सी लोग कंफ्यूज होते हैं, अब किसी का नाम जेड से है, जुबैदा है, और वो उसका जोडिक्स है, लियो है, तब भी बेनिफिट होगा? अगर वो ओरिजिनल लियो है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर उसको फायदा। ठीक है, ओके। अब जो मीम वाली जो खवातीन होती हैं, अच्छी डॉक्टर्स होती हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर्स होती हैं, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी बैंकर्स होती हैं, इनकी कुर्सी इनके लिए होती है बेसिकली। अगर ये मार्केटिंग करें या हवाओं में उड़े, यानी कि ये एयर होस्टर्स ही हो जाए, इस तरह के सब्जेक्ट इनके लिए इतने अच्छे नहीं होते, इनके लिए टेबल कुर्सी है, मीम है ना, सूरज की मालिक। ये लोग को बड़ा बेनिफिट होता है, और मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले 2-2.5 महीने बड़े अहम है, अच्छे हैं, कामयाबी के इनके लिए होंगे। जी सर, औलाद नहीं है तो औलाद भी होगी, बेटों की ख्वाहिश है, ये 2-2.5 महीने में लगभग बेटे भी अदा कर सकते हैं, ऐसी चीजें भी वो होती है, तो 9 महीने बाद है, लेकिन बाद बेटा जो है इनको अदा कर सकते, तो अल्लाह के काम। उसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं बे और वाओ, बी एंड डब्ल्यू, टॉरस। यस, टॉरस है, बुर्ज सौर है, ये खवातीन भी वीनस की मालिक है, तो वीनस तो सन में है, उसके बेनिफिट से मिलेंगे, जिदाद भी इनपे मरेगी, सेहतमंद भी होंगी एकदम, जो इन्होंने मुश्किलात को लिटिगेशन देखी या खानदानी झगड़े देखे या घर के झगड़े हैं वो खत्म होंगे, जो बच्चों में इनके कोई नाचाकियां हैं वो खत्म होंगी, इनकी बात सुनी जाएगी, इनको अहमियत मिलेगी, इनको ये कह लेंगे इनकी जो फरमाइशें होंगी वो पूरी होंगी, धन आना शुरू हो, लकी साबित हो जाएगी, यानी कि इनका टाइम आ गया। हम कहते नहीं कि बीवी भी सुन्नत है, हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है, बीवियां जो है रिस्क लेके आती, तो इनका रिस्क का टाइम शुरू, घर में हस्बैंड बेकार है लेकिन इसका सितारा चमक गया, बे और वाओ, बे जो बुशरा है, वाओ वर्दा है, तो इनकी नसीब से पैसों में, घर में खुशहाली में बरकत है, हर चीज बेहतर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी खवातीन है तो उनका टाइम अच्छा है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, एम ए शहजाद साहब जो नाम के अल्फाबेट बता रहे हैं वो लोग इतिहास से सुने, और आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लीज अवेल करें। बहुत सी खवातीन हमें बताती हैं, खान साहब आपकी जो रिसर्च होती है उसके बाद हमें फीडबैक आता है कि उन्होंने अच्छे टाइम पर डिसीजन लिया, उनको बेनिफिट हुए हैं जिंदगी के अंदर, बड़ी बड़ी तलाकें बची हैं आपके जो ये टॉपिक आप बता रहे होते हैं चीजों के बारे में। ये मैंने 4 ऐसे स्टार्स बताए हैं जो जी सर 2-2.5 महीने बहुत टॉप पे जाएंगे, तो आपकी जगह से सवाल आती है। अच्छा सर, नाम इनका समी है, मुश्किल वक्त चल रहा है, 10-10-2007 पैदाइश है, मेरे साथ क्या मसला है सर, कुछ बता दें। अभी तो बेटा 17 साल के होना है आपने, अक्टूबर में लिब्रा है, वीनस के मालिक हो, मैंने तो समझता हूँ कोई जादू टोना कोई ऐसी बात नहीं, तो एक्टिव हों, ना उम्मीदी कुफर है, और इंशाल्लाह 2 साल के बाद बहुत अच्छे है, लेकिन एक पेशन को ही आपके लिए कर रहा हूँ कि आप मुल्क से बाहर जाएंगे और सेटल होंगे। ठीक है, हिस्ट्री बाय साइम कह रहे जिंदाबाद बबर शेर अहमद शहजाद खान। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, सर जिसको अपना तारीख पैदाइश ना मालूम हो इनका स्टार कैसे मालूम होगा, ये मोहम्मद उमर साहब कह रहे। उमर साहब आप नाम से एरीज में है, बुर्ज हमल में। ठीक है, जीशान बबर शेरा, मेरा नाम मोहम्मद यूनस है, पैदाइश है 14 मई 1972, सर मेरा बुर्ज सौर है क्या? 14 मई से तो आप सौर हैं, और नाम क्या बताया था? जीशान, जीशान नाम से अकरब है, अकरब पढ़ा करें। ठीक है जी, नाम समी, बहुत मुश्किल, समी साहब आपका जवाब दे दिया है। नाम है साजिद हुसैन, मुश्किलात का शिकार हूँ, 2/3/1985 डेट ऑफ बर्थ। मतलब के पैदा हुआ हूं ये, और कैरियर के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं।
देखिए बेटे इंजीनियरिंग में आप चले गए वो आपके लिए बेहतर है। मेरा नाम फरमान है, मेरी पैदाइश 1995 है, मेरे बारे में कुछ बता दो। अगले साल से कुछ बेहतरी, ये साल स्ट्रगल वाला है। ठीक है, ताहिरा कह रही है बहुत शुक्रिया हमें शहजाद साहब। थैंक यू। अच्छा जी, काइंडली सभी स्टार्स के फेशियल और इनके फेशियल एक्सप्रेशंस और फिजिकल फीचर पर भी वीडियो बनाएं। ये टॉपिक ब्लू के हवाले से बताया, गोल चेहरे के होते हैं, घने बाल होते हैं, कैंसेरियन और कैंसेरियन जो अब कोई शख्स अगर कस्प में पैदा हो गया, यानी कि ड्यूल स्टार का मालिक है, यानी कि वो अगर 21 या 22 जुलाई को पैदा होता है और वो सोचता है कि मैं लियू हूं या कैंसर हूं, तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा जिनका चेहरा तो गोल और बड़े बड़े घने बाल है और फिजिकली यानी कि वो हेल्दी हैं, तो वो लियू में है। अगर वो स्मार्ट है, चिकना चेहरा स्लिपरी है, तो कैंसेरियन। तो मैं कस्प का भी जी सर। अच्छा जी, साद अली कह रहे हैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ, आपका इनकम देखते हैं। ठीक है जी, अल्लाह आप पे करम करे। मारिया नाम है, 1995, मेरे रिश्ते के लिए बता दें, मेहरबानी होगी। मारिया 1995 की बताइए। मारिया आज तो प्रोग्राम ही आपके लिए किया था, मीम का बात बात की, तो रिश्ता हो गया इस साल इंशाल्लाह। ठीक है जी, बेटे का नाम जहांसेब से चेंज करना है और स्टडी के लिए सब्जेक्ट और फील्ड बता दें, बहुत जिद्दी और गुस्से वाला है। 21 अक्टूबर 2019 टाइम रात 11 बजे, 11:30 बजे ऑलमोस्ट। मदर का नाम है हफ्सा। जहांजेब तो नाम रखा जा चुका है, उसके आगे कोई नाम जोड़े ताकि तरक्की करे, आगे खे में नाम कोई जोड़ दे, जैसे जहांजेब खालिद होता है, जहांजेब खान होता है, खे में कोई लगाए तो तरक्की करेगा और इस बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाए, उसमें एक कामयाबी, या फिर डायरेक्ट MBA की तरफ ले जाए। अब MBA में भी एक फाइनेंस होता है, मैनेजमेंट की वाला MBA करवाए उससे बेहतर है। अच्छा जी, मुनीबुर रहमान नाम है, 15 अगस्त 2005 डेट ऑफ बर्थ है, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। देखो बेटा 2026 इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर है और कोशिश करो इन दो सालों में एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो। मेरी तारीख पैदाइश 1 अगस्त है, नाम है मुमताज बेगम, मेरा काम होते होते रुक जाते हैं, कुछ बता दें क्या करूं। अब पहली में तो बेटा करोड़ों बच्चे पैदा हुए, आपने स्तंभ नहीं बताया है, तो खाली नाम से ही है कि सूरज के मालिक को, लेकिन अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वीडियो आज की। 16 जुलाई 2004, क्या होगा और क्या करना चाहिए, मसले हैं मेरी जिंदगी में। नाम नहीं लिखा तो मैं इसमें तो करोड़ों लोग हैं, क्या करूं मैं। ठीक है जी, फलक बेटा आप हाउसवाइफ के बारे में भी पूछो, अगर उनके नाम से भी कोई तो होगा फायदा उनको, हालांकि मैं पूछता हूँ हाउसवाइफ को आपसे हमेशा। मेरे हस्बैंड का नाम शाहिद बशीर है और वालदा का नाम फमीदा राना है, 2 ईयर हो गए हैं हमारा कारोबार बंद पड़ा है, कुछ इस बारे में बता दें। अच्छा, अब अगली दफा आपने सवाल स्पेशली फलक इस सवाल को अंडरलाइन कर लें तो इसका जवाब जरूर देंगे। जो काम आप कर रहे हैं वो लिख के भेजें ताकि हम देखें वो सही भी है गलत। ठीक है, जो I want to perform Umrah, is it possible in year 2024? Azhar Mahmood पूछ रहे हैं। उम्र बताएं ना, कैसे पता चलेगा? अब आप हो 10 साल के, तुम्हें कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एस नाम वालों की ट्रैवलिंग कब करनी चाहिए? एस नाम से जो है का नाम। अब 15 अगस्त की बात करें। अच्छा, नीचे अजहर ने साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी दे दी है, मैंने नीचे गया हूं, आई भी है। अजहर महमूद, डेट ऑफ बर्थ है 19/1/1957, व्हाट अबाउट अगस्त मंथ, थैंक्स, और उम्रे के वाले से भी इन्होंने पूछा। लेकिन जी माशाल्लाह आपकी तो एज ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के ख्याल रखे, लेकिन ये मैंने अगले महीने आपके लिए अच्छे देख रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के सवाल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम का इख्तिताम भी करना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले, जो भी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे, आप तक अगर नहीं ये वीडियो आपके काम की तो आप आगे शेयर किया करें, ताकि उन लोगों के काम आ जाए जो इस टाइम से मतलब मायूस हो रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही नॉलेज जो एस्ट्रोलॉजिकल होता है, हमारी कोशिश होती है, हमें शहजाद साहब हों या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, उसकी रिसर्च करके मेरी कोशिश होती है कि अपने व्यूअर्स को तोहफा दूँ ताकि उनको बैठे बैठे चीज़ों के बारे में पता लग जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं वीडियो में सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।